हेलो स्टूडेंट्स पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका स्विंग इक्वेशन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विंग इक्वेशन क्या होता है तो ट्रांजियंट कंडीशन में सिंक्रोनस मशीन के बिहेवियर को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं स्विंग इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं सिंपली अगर आपको हम बोलें कि स्विंग इक्वेशन क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे सिंक्रोनस मशीन का बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रांजियंट केस ट्रांसियन केस में सिंक्रोनस मशीन के बिहेवियर को हम स्विंग इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं कि स्विंग इक्वेशन होता क्या है वो उसका हम एक डेरिवेशन करेंगे अभी तो सपोज़ हम लेते हैं कि थीटा क्या है आपका थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर एट एनी इंस्टेंट टी थीटा क्या है एंगुलर पोजीशन है रोटर का एट एनी इंस्टेंट टी ठीक है हियर टी थीटा क्या है हावेर थीटा इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम यहाँ पे जो थीटा है आपका क्या है एंगुलर पोजिशन है रोटर का एट एनी स्टेंट टी लेकिन ये जो थीटा है वो कंटिन्यूसली क्या होता है टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो बेटर है कि हम थीटा को कहाँ से मेज़र करें विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रेंस एक्सेस ठीक है बेटर है थीटा क्या है आपका कंटिन्यूसली चेंज रहता है तो इट इज़ कन्वीनियंट टू मेज़र थीटा विध रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सेस डेट इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड तो बेटर है कि हम ठीटा को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करें एक रेफरेंस एक्सेस के रिस्पेक्ट में मेजर करें और ये जो रेफ्रेंस एक्सेस है वो क्या हो रोटेट हो एट सिंक्रोनस स्पीड ठीक है लेट डेल्ट डेल्टा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर सपोज डेल जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रोटर का इन इलेक्ट्रिकल डिग्री फ्रॉम द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सेस ठीक है ये जो डेल है वो कहाँ से लिया गया है आपका सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस एक्सेस से लिया गया है ठीक है एंड डब्ल्यू एस इज द सिंक्रोनस स्पीड आप जानते हैं कि डब्ल्यू एस क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड होता है सिंक्रोनस इन इलेक्ट्रिकल रेडियन देन थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एस तो थीटा को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एस टी प्लस डेल यहाँ पे डेल क्या है आपका टॉर्क एंगल या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं लोड एंगल ये जो डेल है वो क्या है आपका लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग रेफरेंस एक्सेस और डब्ल्यू एस टी क्या है आपका टाइम वेरिंग एंगल डब्ल्यू एस टी ऑन द रोटेटिंग एक्सेस इसको आप इस डायग्राम से भी शो देख सकते हो ये आपका रिफ्रेंस एक्सेस है और यहाँ पे हमने क्या लिया है रोटेटिंग रेफरेंस एक्सेस है और ये आपका रोटर फील्ड है तो ये क्या होता है आपका डेल क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर ठीक है और ये क्या है आपका डब्ल्यू एस टी ठीक है तो ठीटा यहाँ पे किसका किसका सम हो जाएगा ठीटा किसका सम है डेल का प्लस ओमेगा एस टी का सम है ठीक है, है तो यहाँ पे हमने क्या किया है थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू एस टी प्लस डेल ठीक है तो देखो ये क्या है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पढ़ाया था तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है जब लास्ट डिस्टर्बेंस आता है ठीक है ये क्या है आपका जब लास्ट डिस्टर्बेंस आता है और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होता है जब स्मॉल डिस्टर्बेंस आता है तो सिस्टम क्या होता है अपने फिर से स्टेबल कंडीशन में आने के उसके एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजेंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हमने डिफाइन किया था ठीक है तो यहाँ पे हम स्विंग इक्वेशन क्या बताता है आपको स्विंग इक्वेशन सिंक्रोनस मशीन का बिहेवियर बताता है ड्यूरिंग ट्रांजिएंट कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांजिएंट के केस में उसके बिहेवियर को हम स्विंग इक्वेशन से शो करते हैं <coughs> तो थीटा क्या था आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू है, क्या था था? आपका Angular displacement of the तो यहां पे हमने को किसे दिया ठीक इसे हम equation one देते थे। अब ये जो इक्वेशन वन है उसको हम डिफ्रेंशियट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी इस डब्ल्यू एस को हम क्या कर रहे, है? with respect to t, कर रहे हैं विध रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशियट करें तो क्या हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू अब देखो इसको हमने डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ ये डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी यहाँ पे टी है टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू एस ठीक है और ये क्या हो जाएगा आपका डेल डी डेल डिवाइडेड बाय डी टी ये हम इक्वेशन टू दे देते हैं अब इस इक्वेशन टू को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा ठीक है फिर से इस टर्म को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जितना भी आपका है स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायेर इज इक्वल टू अब यहाँ पे कोई भी टी वाला टर्म नहीं है ठीक है तो क्या हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा आपका सिर्फ क्या बचा यहाँ पे डी स्क्वायर डेल डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर ठीक है तो सपोज डी थीटा डिड बाई डी स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्टू हम क्या लेते हैं अल्फा यहाँ पे अल्फा क्या है एक्सीलरेशन ऑफ द रोटर नेक्स्ट हम देखते हैं सपोज लेट टी ए इज इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन ठीक है सपोज टी ए क्या है आपका एक्सिलरेटिंग टॉर्क है सिंक्रोनस मशीन का और टीएम क्या है आपका मैकेनिकल इनपुट या फिर शाफ्ट टॉर्क बोल सकते हैं ठीक है और टी ई क्या है आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट टॉर्क ठीक तो आपको पता है कि कैसे आपका पावर जनरेट होता है ठीक है जब हम जनरेटर के शाफ्ट में क्या करते हैं जनरेटर शाफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं प्राइमोवर से प्राइम से मैकेनिकल टॉर्क देते हैं मैकेनिकल टॉर्क इनपुट देते हैं ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका क्या रहेगा मैकेनिकल इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा एक्सिलेटिंग टॉर्क प्लस आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट टॉर्क डेट इज टीएम इज इक्वल टू टी ए प्लस टीई ठीक है तो यहाँ से आप टीए की वैल्यू निकालोगे तो टीए की वैल्यू क्या हो जाएगी टीएम माइनस टी ई अब इस इक्वेशन में हम बोथ साइड्स किसका मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ओमेगा क्या होता है आपका स्पीड ठीक है तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या है हम जनरली किससे डील करते हैं पावर से डील करते हैं तो इस टॉर्क को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा ओमेगा क्या है स्पीड होता है आप जानते हो पावर इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क इन स्पीड होता है है ना तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी ए टी माइनस टी ई अंडर ब्रैकेट ओमेगा अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप क्या हो जाएगा ओमेगा टी ए इज इक्वल टू टी एम ओमेगा माइनस टी ओमेगा। तो क्या हो जाएगा टॉर्क इनटू स्पीड क्या होता है पावर तो यहाँ पे क्या है एक्सेलेटिंग टॉर्क तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेलरेटिंग पावर पी ए इज इक्वल टू टी एम ओमेगा ये क्या था आपका मैकेनिकल मैकेनिकल इनपुट या फिर शाफ्ट टॉर्क था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैकेनिकल पावर पी एम और ये क्या था आपका एक्सेलरेटिंग टॉर्क सॉरी इलेक्ट्रिक आउटपुट टॉर्क तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पीई डेट इज पावर आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल पावर ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपका देखो पीएम क्या है मैकेनिकल इनपुट पावर पी ई क्या है इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर और पी ए क्या है एक्सेलरेटिंग पावर ठीक है अब सपोज जे क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर सपोज जे क्या है आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर एम क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटर अब हम जानते हैं कि वी नोड एट टॉर्क क्या होता है टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम टॉर्क को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं टॉर्क टी ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका जे इन टू अल्फ़ा मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका मू मुझ... मूमेंट ऑफ एनर्शिया इंटू एक्सिलेशन ठीक है तो मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया को हमने यहाँ से किसे शो किया है जे से शो किया है ठीक है तो टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे और अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाला है अभी पिछले टाइम हमने ये निकाला है अल्फा की वैल्यू ठीक है तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू रख दे रहे हैं डी थीटा डिवाइडेड डी टी स्क्वायर तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू रख दिया ठीक है अब इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से स्पीड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेट इज ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी ए इज इक्वल टू जे ओमेगा डी स्क्वायर थीटर डिवाइडेड बाई टी टी स्क्वायेर तो जे इंटू ओमेगा क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है एम एम क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटर होता है तो जे और ओमेगा यहाँ से किससे रिप्लेस हो जाएंगे एम से रिप्लेस हो जाएंगे ठीक है तो आई थिंक आपको यही सब पता होगा कि मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द रोटर क्या होता है ठीक है ऑलरेडी आप मशीन में शायद पढ़े हो गए ये ठीक तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पावर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ स्विंग इक्वेशन के बारे में ठीक है तो यहाँ पे देखो फिर से स्पीड और टॉर्क हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पावर में तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सलरेटिंग पावर पी ए इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वेड हीट डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इसको हम इक्वेशन बी देते हैं ठीक है इक्वेशन बी अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है एक तो आपका ये इक्वेशन बी है यहाँ पे क्या मिला है आपको पी ए इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर और इक्वेशन ए था इक्वेशन ए आपने क्या लिखा था यहाँ पे इक्वेशन ए पी ए इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी पी ए है और इक्वेशन पी के लेफ्ट हैंड साइड में भी पी ए है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं तो फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड पी क्या हो जाएगा ये दोनों सेम है पी ए पी ए सेम है तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो बोल सकते हैं पी एम माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होता है एम डी स्क्र डिवाइडेड बाय डी टी ठीक है तो ये जो होता है आपका वो क्या कहलाता है आपका स्विंग इक्वेशन ये स्विंग इक्वेशन हमें किस में हेल्प करता है स्टेबिलिटी में हेल्प करता है एक्सीलरेटिंग पावर और एंगुलर एक्सीन के बीच का जो रिलेशन है ये वो क्या कहलाता है आपका स्विंग इक्वेशन कहलाता है तो ये तो आपका था स्विंग इक्वेशन ठीक है स्विंग इक्वेशन क्या बताता है आपको गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेटिंग पावर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द स्विंग इक्वेशन अब इसी से आपको क्या पढ़ना है स्विंग कर्व पढ़ना है तो स्विंग कर्व क्या होता है अ ग्राफ ऑफ डेल वर्सेस टाइम इन सेकेंड इज कॉल्ड स्विंग कर्व एक ग्राफ है किसके किसके के बीच बना है ये ग्राफ डेल के बीच बना हुआ है ग्राफ डेल क्या है यहाँ पे लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल जो इलेक्ट्रिकल रेडियन में होता है और टाइम ये क्या है आपका टाइम जो सेकेंड में रहता है तो डेल और टाइम के बीच में जो कर्व बनता है वो क्या कहलाता है आपका स्विंग कर्व कहलाता है ठीक है तो क्या बोलता है ये स्विंग कर्व देखिए इफ डेल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम द सिस्टम इज़ अनस्टेबल यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहा है ये आपका ये कर्व है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है डेल जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम आप देख सकते हो ये क्या वैल्यू है आपका डेल का वैल्यू है और ये क्या है टाइम का वैल्यू तो यहाँ पे ये जो कर्व बनाया गया है ये वाला वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है डेल जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो अगर डेल टाइम के साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा वो अनस्टेबल होगा लेकिन वे well, इफ़ डेल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू द सिस्टम विल रिमेन स्टेबल लेकिन डेल जो है अगर, अगर अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद डिक्रीज़ हो रहा है तो वो सिस्टम क्या रहेगा आपका स्टेबल रहेगा आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि डेल क्या है शुरू में इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ लेकिन अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद वो क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या होगा आपका स्टेबल कंडीशन होगा तो ये आपका क्या कहलाता है स्विंग कर्व कहलाता है स्विंग कर्व क्या है कर्व बिटवीन डेल एंड टाइम इज कॉल्ड क्या है आपका स्विंग कर्व अगर डेल जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो सिस्टम क्या है अनस्टेबल है अगर डेल अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम क्या रहेगा विल रिमेन स्टेबल रहेगा क्लियर तो ये था आपका स्विंग इक्वेशन स्विंग इक्वेशन इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में पूछता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे स्टडी करेंगे